हेलो नमस्कार। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इमिग्रेशन के लिए भी, क्योंकि अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, क्या नाम है, वीज़े के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ इमिग्रेशन प्रोसेस, क्योंकि इमिग्रेशन प्रोसेस वीज़े के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीज़ा मिल गया और इमिग्रेशन क्लियर ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पर एयरपोर्ट पर बहुत डिपोर्ट करते हैं ये लोग, तो इसलिए इमिग्रेशन की वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीज़े में और इमिग्रेशन में फ़र्क क्या है। लोग बाग समझते हैं कि भाई वीज़ा मिल गया आप तो एंट्री हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। मैं कई बार आपको बताया, मैंने देखे हैं बहुत, अपनी आंखों से देखे हैं बहुत, डिपोर्ट करते हैं यहाँ से, खासकर इंडियन पासपोर्ट और पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर वालों के और बांग्लादेश से जो होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इमिग्रेशन पास करना। मैं बताता हूँ आपको कि इमिग्रेशन में क्या होता है। पहली बात तो ये बताता हूँ मैं आपको कि इमिग्रेशन, और जिनको नहीं पता, वैसे तो हम लोग ज़्यादातर लोगों को पता ही है, मगर जिनको नहीं पता फिर भी मैं बताता हूँ कि इमिग्रेशन में और वीज़े में क्या फ़र्क है। मान लो एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो आप घर वालों से परमिशन लोगे कि भाई मुझे बॉम्बे जाना है घूमने के लिए। पहले तो घर वाले माने या ना माने, चलो मान गए, आप किसी तरह घर वालों को मना लिया, तो समझो कि आपको जैसे कि वीज़ा मिल गया जाने के लिए बॉम्बे। ठीक है जी, अब आप बॉम्बे किसी को जानते नहीं हो, जानते हो या नहीं जानते पता नहीं, आप बॉम्बे पहुँचे। ठीक है जी, अब आपको रहना है वहाँ। अब मान लो आपको किसी दोस्त के दोस्त के यहाँ जाना है, तो आप उसके यहाँ पहुँचे। अब वो आपसे पूछेगा भाई आप कौन हो, क्यों आए हो, क्या कारण है। जब वो तसल्ली करेगा तभी तो आपको घर के अंदर एंट्री करने देगा, नहीं तो क्यों एंट्री करने देगा, जब आपको जानता पहचानता ही नहीं है, जब उसको पता है कि भाई मेरे को इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है जी, पता नहीं क्या नुकसान करने वाला है, या कोई बंदा ठीक है नहीं है, तभी तो उसने देगा ना। जब उसको तसल्ली हो जाएगी पूरी, तभी वो कहेगा ठीक है आप आ सकते हो, आप रह सकते हो मेरे यहाँ, आप रुक सकते हो। तो इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। तो वीज़ा आपको घर से लेना पड़ता है, और इमिग्रेशन आप जहाँ पहुँचते हो वहाँ से आपको परमिशन एंट्री की लेनी पड़ती है, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन के लिए जैसे आप मान लो पहुँचे, जब मान लो आप नई दिल्ली से चले और आप यहाँ साओ पोलो पहुँचे, क्योंकि साओ पोलो की इमिग्रेशन बड़ी मुश्किल है। आप जैसे जहाज से अंदर एंट्री करोगे एयरपोर्ट के अंदर लॉबी के अंदर, तो वहाँ बहुत सारे लगभग 6-7 इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो होते हैं वो खड़े होते हैं। तो बंदे लाइन से आ रहे होते हैं, तो एक एक करके वो सबको देखते हैं। वो क्या करते हैं, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है और जो या पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्डर है और जो नेपाल का और बांग्लादेश का, इनको वो सिर्फ वो पहले पासपोर्ट देखते हैं, और कुछ नहीं देखते। पासपोर्ट देखते ही कहेंगे आप इस साइड खड़े हो जाओ, एक वो लाइन सी बनी होती है या रस्सी बंधी होती है, तो वहाँ उनको वो खड़ा कर देते हैं कि भाई इनको पूछेंगे बाद में। और बाकी जो और कंट्रीज से लोग पैसेंजर आते हैं उनको वो देखते हैं और जाओगे बैम विंदो, यहाँ की भाषा में बोलते हैं वेलकम, बैम विंदो। अच्छा, फिर बाद में फिर हमारा इंडियंस का और बाकी लोगों का जो नंबर आता है तो फिर उनसे पूछताछ शुरू होती है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे कि इमिग्रेशन क्या होता है। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था साओ पोलो में, ठीक है जी, हम लोग 7 बंदे थे, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, 2-3 मेरे ख्याल से बांग्लादेश के थे। ठीक है जी, तो पहले तो उनसे पूछताछ होती रही होती रही होती रही, तो उनको सबको उन्होंने एक तरफ बिठा दिया। ठीक है जी, ये जब मेरा नंबर आया तो देर से वो, क्योंकि मेरे ख्याल से 7 या 8 बंदे हैं जिनमें से सिर्फ एक को ही इंग्लिश आती है, तो जिसको इंग्लिश आती है वो वही सवाल जवाब करता है इंडियन पासपोर्ट होल्डर से और या पाकिस्तान से या बांग्लादेश के जितने भी होते हैं वही पूछताछ करता है, क्योंकि और किसी को इंग्लिश आती नहीं, वो पुर्तगीज़ में बात करते हैं। तो वो, क्योंकि मैं पहली बार आया था और भी लोग वो पहली बार ही आए होंगे, तभी उनको बिठा दिया वहाँ पर। पूछताछ करने के बाद, हालांकि मैं दूर खड़ा था, मुझे नहीं पता था क्या पूछ रहे हैं, जब मेरा नंबर आया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा तो उन्होंने मेरे से इंग्लिश में पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम,
मतलब आप कहाँ से हो। तो हालांकि पासपोर्ट उनके हाथ में था तब भी उन्होंने पूछा। मैंने कहा सर मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, तो उन्होंने फिर दूसरा सवाल पूछा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर कमिंग हेयर, मतलब आप क्यों यहाँ आए हो। तो फिर मैंने उसको बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे यहाँ जान पहचान में हैं, इंग्लिश इंग्लिश में बोला तो इसलिए मैं आया हूँ विज़िट करने के लिए। अच्छा, तो फिर उसने अगला सवाल पूछा, हाउ मच डेज यू विल स्टे हेयर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर कमिंग हेयर, हाउ मच डेज यू विल स्टे हेयर, मतलब तुम कितने दिन यहाँ रहोगे। तो मैंने उसको बताया कि सर आई विल स्टे हेयर 3 वीक्स। मैं उसको बताया कि मैं यहाँ 3 महीने 3 हफ्ते के लिए यहाँ रहूँगा। तो उसने पूछा वेयर विल यू स्टे, मतलब आप कहाँ रहोगे। तो मैंने उसको बताया कि मैं सर यहाँ 12 मंसा में रहूँगा स्टेट रियो डी जेनेरियो में। तो उसने पूछा वेयर इज़ बहामास, वेयर इज़ बारामंसा, वैसे तो हम इंग्लिश में तो बारामंसा बोलेंगे मगर यहाँ पुर्तगीज में बहामासा बोलते हैं। मैंने उसको बताया क्योंकि मेरे को पूरी इंक्वायरी मैं पहले ही करके आ रहा कि वही क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या पूछ सकते हैं। तो मैंने उसको बताया कि सर नियर बोलता है दोनों, तो समझ गया कि भाई हम देखो पता है। अच्छा, तो उसने फिर अगला सवाल पूछा व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन देयर इन इंडिया, तो आप क्या करते हो वहाँ पर। तो फिर मैंने उसको बताया कि सर मेरी ऐसी बिजनेस है, ये है वो है। व्हाट इज़ द प्रूफ, आप प्रूफ दिखाओ। तो फिर मैंने उसको प्रूफ दिखाया तो कहने लगा ये तो फेक है, इस पर कैसे विश्वास करें हम। मैंने उसको बोला फिर ऐसा, ठीक है सर आप मोबाइल पर आप मेरा नाम चेक करिए, आप सिर्फ मेरा नाम लिखिए गूगल के ऊपर। उसने कहा अच्छा, फिर मेरा नाम मेरे सामने उसने मेरा नाम गूगल पर चेक किया, गूगल के ऊपर सारा आ गया। मैं क्यों आपको बार बार पिछले इंटरव्यू में बोल रहा था कि गूगल और लिंक्डइन एप्लीकेशन ज़रूरी है। आप मेरा कोई भी वीडियो झूठा नहीं होने का, ठीक है जी, मैं हमेशा सच्चा ही वीडियो बनाऊंगा। खैर जी, उसने देखा, उसने पूरा चेक किया, उसके बाद कहने लगा चलो जी ठीक है जी, ये तो आपका आपके बारे में हो गया, मगर आपका ऑक्यूपेशन आपकी सैलरी वगैरह क्या है, मतलब आप क्या काम करते हो, आप कितना कमाते हो, हाउ मच यू अर्न, व्हाट इज़ योर जॉब। मैंने कहा ठीक है सर आप ऐसा करो, मेरे बिजनेस का जो भी मैंने मेरा जो भी बिजनेस था, मैंने कहा मैंने उसको पेपर पे लिख के दिया, पेन था वहाँ पर। मैंने कहा सर आप ये गूगल पर सर्च करो और आप देख लोगे। मैंने कहा अच्छा, उसने गूगल पर सर्च किया, मेरा सारा डाटा था ही गूगल के ऊपर पहले से ही। उसने कहा ठीक है चलो अच्छा, कितने पैसे हैं आपकी जेब में, हाउ मच मनी यू हैव इन योर पॉकेट। उसने पूछा बेटे आपके पास कितने पैसे हैं। मैंने उसको बताया सर मेरी जो मेरी पॉकेट में $1200 हैं। तो उसने चेक किए, वो कहता उसने चेक किए, उसके बाद उसने कहा ऐसा करो जितने भी 7 बंदे थे हम 7ों को लाइन में ले जाके ले गए और एक वहाँ थोड़ी सी दूरी पर ही लॉबी के जैसी लॉबी आप पार करोगे वहाँ पुलिस वालों को जो इमिग्रेशन है उनका ऑफिस है, वहाँ कुर्सियाँ लगी हैं बहुत सारी। एक हम 7 बंदे हम थे और एक था कोई अफ्रीकन था, तो हम 8 लोग थे तो उनको हमको बिठा दिया। तो उसके बाद फिर वो क्योंकि सारे जो इमिग्रेशन पुलिस वाले थे जो लंबे लंबे तगड़े तगड़े वो तो सब पोर्टुगीज बोल रहे थे, सिर्फ एक ही बंदा था जो इंग्लिश बोल रहा था। तो वो पोर्तुगीज जो ऑफिसर था वो पोर्तुगीज वाला जो पुलिस वाला था तो वो उनको इंग्लिश वाले को बोल रहा था पासपोर्ट देख के उनका डिपोर्ट, पहला बंदा बांग्लादेश का डिपोर्ट, दूसरा डिपोर्ट, तीसरा डिपोर्ट, मेरे सामने उन्होंने 6 बंदे डिपोर्ट कर दिए। अब वो बड़ा उनकी आंखों में आंसू, निश्चिंत सी बात है कि इतने दूर से आए हैं पता नहीं कैसे कैसे आए होंगे, तो उन्होंने कर दिया उनको डिपोर्ट। फिर मेरा नंबर आया, मेरे को मेरा पासवर्ड वो अंदर ले गया जो उनका कैबिन बना हुआ था पुलिस वालों का, काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। खैर 2 घंटे हो गए, अब थोड़ी देर बाद फिर एक लेडीज़ आई, उसने उस जो अफ्रीकन था उसको बोला कि भाई
आपका जो वीज़ा है वो है नकली फेक, तो आप या तो यहाँ 3 महीने जेल काटो या आप को रिटर्न टिकट आपके पास है तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो? उससे पूछा कि आपको जेल जाना चाहते हो या आप रिटर्न जाना चाहते हो, क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो है फेक। क्योंकि ट्रैवल एजेंट जो हैं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ट्रैवल एजेंटों के चक्कर में ना पड़ो। कई बार होता है कि वीज़ा ये कागज़ ही तो होता है, वीज़ा और क्या होता है, एक कागज़ की पर्ची होती है। बहुत लोग नकली छापते हैं, तो किसी ने छाप दिया होगा, लगा दिया होगा, मगर वो ये भूल जाते हैं कि जो चेक करने वाले होते हैं वीज़ा, एक मिनट में पहचान जाते हैं कि वीज़े के ऊपर नंबर लिखा होता है और वो ट्रांसपेरेंट नंबर होता है जो आँखों से हम देख भी नहीं सकते। उसके लिए कोई इनके पास कोई कोई मशीन वशीन है, कोई ऐसा लेंस वेंस होता है जिससे वो चेक चेक करते हैं कि भाई ये वीज़ा असली है कि नहीं। खैर जी, उसको भी उन्होंने, खैर वो जो नीग्रो था अफ्रीका का, उसने कहा कि आप मुझे डिपोर्ट कर दो, क्योंकि और कोई जेल कौन जाना चाहता है भाई। खैर जी, फिर मेरा नंबर आया तो मैंने उससे पूछा जो इंग्लिश, कहा वेट वेट वेट। खैर 3 घंटे हो गए, लगभग 3.5 घंटे हो गए, पुलिस वाला मेरे पास आया उस बंदे के साथ। तो उस बंदे ने मेरी जो इंग्लिश जो बोल रहा था उसने मेरी थोड़ी सी सिफारिश करी, हालांकि मैं समझ नहीं रहा था क्या बोल रहे वो, मगर मुझे लग रहा था कि वो मेरी कुछ सिफारिश कर रहा है। लगभग लगभग आप ये समझ लो आधा घंटा उसने बहसबाजी करी होगी उससे, जो इमिग्रेशन जो ऑफिसर था पुलिस वाले ने। उसके बाद उसने मेरा पासपोर्ट फेंक कर मारा, उसके बाद कहा कि भाई जाओ एंट्री ले लो। आप तो ये देखो कि इमिग्रेशन कितनी मुश्किल होती है। आप उस पुलिस वाले ने भी मेरे से पैसे देखे, ठीक है जी, उसने कहा पैसे दिखाओ कितने हैं आपके पास। मैंने उसको पैसे दिखाए, सारा प्रूफ दिखाया, कहाँ जा कहाँ जाना है, कितने दिन रुकना है, आसपास के शहर तक के बताए, 2-3 वर्ड उसने पोर्तुगीज़ में मेरे से पूछे वो तक बताए, ठीक है जी। हालांकि सब ने बताए होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं दूर खड़ा था, हालांकि सब ने बताए होंगे, मगर उसने सबको डिपोर्ट कर दिया। शायद मेरी किस्मत रही होगी या जो भी समझो, उसने मेरे को कहा कि आप एंट्री ले लो। बड़ी, मगर जब उन्होंने कहा एंट्री ले लो तो बड़ी इज्जत से कहा कि बैम बिंदु कि यू आर वेलकम। था जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसको मैंने बहुत थैंक यू बोला, उसने भी मेरे को हंस के कहा कोई बात नहीं, यू कैन टेक एंट्री। उसने कहा कि आप जा सकते हो, या फिर मैं गया। इसी तरह मेरी इमिग्रेशन बड़ी मुश्किल से 4 घंटे पूछताछ करने के बाद हुई है, पास क्लियर हुई है। तो इमिग्रेशन बहुत कोई आप, क्योंकि ट्रैवल एजेंट बताते नहीं हैं, ठीक है जी, वो बताएंगे भी तो आधा अधूरा बताएंगे। अब जो बंदा इतने दूर से आएगा पैसे लगा के, इतनी 30 घंटे हवाई जहाज के अंदर बैठ के जो पहुँचा, एक तो यदि थका टूटा होता है, इतने पैसे लगे होते हैं, उसके बाद बंदा डिपोर्ट हो, ठीक है जी, इन ट्रेवल एजेंटों के बाप का क्या जाता है, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरा वीडियो जो हमेशा पूरा देखा करो, क्योंकि मैं जो आपको राय दूंगा बिल्कुल ठीक दूंगा। इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा एक तो ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी नर्वस ना हों। वो बंदे का चेहरा देख लेते हैं, बंदा घबरा गया या नर्वस है या जवाब नहीं दे, अगर आप नर्वस हो गए तो आप जवाब दे ही नहीं पाओगे, ठीक है जी। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के, जैसे कुछ नहीं है, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो ना, इस तरह। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं ये लोग इंग्लिश नहीं बोलते, और हमारे यहाँ जो इंडियंस हैं वो भी बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान के खैर बोलते ही नहीं, 90% पाकिस्तानी बोलते नहीं, तो ये इंग्लिश का भी बड़ा चक्कर है, क्योंकि इनको हिंदी या उर्दू या पंजाबी तो आती नहीं है, जवाब अपना उसी में हिंदी में इंग्लिश में ही करना है, पोर्तुगीज। खैर जब मैं सेकंड टाइम आया तो वो मुझे पहचान गया, उसने मुझे कहा बैम बिंदो बैम बिंदो। उसके बाद तो खैर मैं लगातार आता जाता रहा, तो अब तो मेरे को तो खैर वो मेरा तो सिर्फ पासपोर्ट देखते हैं, पासपोर्ट भी कुछ भी नहीं देखते, तो मेरे को तो देख के बैम बिंदो बोलते हैं, वेलकम वेलकम छुट्टी। मगर फर्स्ट टाइम जो है इमिग्रेशन क्लियर करना आओ बोलो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप पता नहीं मेरी बात पर विश्वास
कर रहे हो शायद तभी लाइक कर रहे हो, तभी इतने व्यूज आ रहे हैं, इसलिए मैंने मैंने सोचा मैं चलो मैं अब वीडियो बनाता हूँ इमिग्रेशन के ऊपर भी, ठीक है। फिर भी किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। मैं फिर कह रहा हूँ आप अपना नंबर जरूर छोड़ना ताकि मैं बात कर सकूँ। जब मैं आपसे जब आप मेरे से पूछोगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ऐसे मुझे कैसे पता लगेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ हेल्प करना दिल से, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको कि इन ट्रेवल एजेंटों के चक्कर में ना पड़ो, इनका इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लेंगे ये, कुछ भी नहीं। इनके बाप का क्या जाएगा, लाखों रुपया टिकट में लगता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और मैं फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जिसकी मैं हेल्प करूँगा उसका वीज़ा लगेगा, और जिसका वीज़ा लगेगा वो मेरे को नेचुरल सी बात है, दो के लगे हैं तो उन्होंने मुझे थैंक यू कहा है, उन्होंने मुझे थैंक यू कहा है तो मैं इनकी इमिग्रेशन भी क्लियर करवाऊंगा, उनकी एंट्री भी करवाऊंगा। तो इसलिए इमिग्रेशन को हल्के में मत लो, ये मत समझो कि वीज़ा मिल गया है तो एंट्री मिल गई है, नहीं, ठीक है भैया। हमेशा इमिग्रेशन को बहुत सीरियस लो, खासकर साउथ पोलो की, क्योंकि आपको कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर यहाँ साउथ अमेरिका में जाना है तो आपको वाया साउथ पोलो होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि साउथ पोलो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। चाहे आप अर्जेंटीना ब्यूनस आयरस जाओ, चाहे आप चिली जाओ सेंटियागो, चाहे बोलीविया जाओ, चाहे उरागवे जाओ, चाहे पराग्वे जाओ, आपको साउथ पोलो तो जाना ही पड़ेगा, इमिग्रेशन तो वहाँ से आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, साउथ पोलो की इमिग्रेशन बड़ी मुश्किल है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, इमिग्रेशन को सीरियस लो, ठीक है भैया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसकी मैं मदद करूँगा, दो की है, दो का लगाया ना वीज़ा, जिसकी मैं मदद करूँगा उसका वीज़ा लगेगा, जिसका वीज़ा लगेगा मेरी वजह से उसको मैं इमिग्रेशन भी क्लियर करवाऊँगा, उसको मैं एंट्री भी करवाऊँगा। मेरे को झूठ बोलने की ना तो आदत है, ना मुझे किसी से लालच है, ना मुझे आपसे एक रुपया चाहिए। सिर्फ ये है कि चलो आप मेरी इज्जत तो करोगे, किसी को याद तो रखोगे, भाई हमारा भाई है कोई वहाँ। मैं झूठे चैनल वाले नहीं हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल ठीक बनाता हूँ, ठीक है जी। ओके भैया, बाय। फिर कह रहा हूँ, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना टेलीफोन नंबर ज़रूर छोड़ो, ठीक है। ओके, बाय भैया।